आज की थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं कौन सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं एगलेस डोनट बनाने वाली हूँ, वो भी बेक डोनट और डीप फ्राइड डोनट दोनों ही तरीकों से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्विस्ट एंड फ्लफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं डोनट, वो भी एगलेस, और कैसे बनाना है घर पे वो भी इजी तरीके से। तो सबसे पहले हम एक बॉल में हाफ कप मिल्क लेंगे और आपका जो मिल्क है वो वार्म होना चाहिए। यहाँ पे हम 2 TSP शुगर ले रहे हैं और 1.5 TSP यीस्ट, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे करीब 7 to 10 minutes के लिए इसे ढक देंगे। और 10 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं यीस्ट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं 1 cup मैदा ले रही हूँ और 1 tablespoon मिल्क पाउडर, और यहाँ पे 2 TSP यहाँ पे मैं पीसी हुई चीनी ले रही हूँ और 1.5 TSP बेकिंग पाउडर, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे अपने हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं इसे मिलाने में। और यहाँ पे मैं 1 tablespoon ऑयल ले रही हूँ, फिर आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने यहाँ पे वैनिला एसेंस मैं देना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे वैनिला एसेंस 1.5 TSP ले रही हूँ, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आपको करीब 3 to 4 minutes के लिए आपको इसे स्ट्रेच करना है, आपको इसे बहुत अच्छे से मिलाना है और इसे आपको एक बॉल शेप में बनाना है। और इसे जब आप इसे एक बॉल शेप में बना लें तो आप इसे बॉल में करीब 1 hour के लिए आपको इसे ढक के रखना है। आप किसी चीज़ से भी इसे ढक सकते हैं। फिर 1 hour के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा जो डो का बैटर है वो डबल साइज हो चुका है। तो यहाँ पे मैं स्पैचुला के मदद से जो डो का जो एयर है मैं वो निकाल लूँगी। आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए अपने हाथों में, नहीं तो ये आपके हाथों में चिपक भी सकता है। तो यहाँ पे मैं मैदा अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे यहाँ पे डो को है अच्छे से बेलना है। यहाँ पे आप थोड़ा सा मैदा जो है ऊपर से और लगा लीजिए ताकि ये बेलन में ना चिपके। और आपको जैसे आप रोटी बनाते हैं उसी तरह से आपको इसे बेलना है, और आपको बहुत पतला भी नहीं बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है। और यहाँ पे मैं 1 cup के मदद से यहाँ पे मैं डोनट का शेप दे रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे कोई कटोरे से भी दे सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई बड़ा सा ढक्कन है तो आप उससे भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ जो बचे हुए जो मेरे पास डोनट के जो बैटर है इसे मैं साइड कर लूँगी। आप चाहे तो इसका स्वीट ब्रेड भी बना सकते हैं या फिर डोनट बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं डोनट के फ्रंट में कट करने के लिए मैं यहाँ पे नोज़ल का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसी तरीके से मैं सभी में बीच में कट कर लूँगी। और यहाँ पे मैं कुछ डोनट्स को बेक करूँगी और इसमें से कुछ को डीप फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैं बेकिंग ट्रे में सारे डोनट्स को मैं रख लूँगी और करीब 30 मिनट्स के लिए इसे ढक के रखूँगी। तो यहाँ पे मैं एक कॉटन क्लोथ से मैं इसे ढक रही हूँ, और आपको 30 मिनट्स के लिए इसे कवर करना है। तो 30 मिनट्स हो जाने के बाद यहाँ पे मैं डोनट को डीप फ्राई कर रही हूँ, और जो बाकी के जो डोनट्स थे मैंने उसे बेक करने के लिए ओवन में दे दिया है। तो आपको 180 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट करना है 10 मिनट्स के लिए और बेक करना है 30 to 35 मिनट्स के लिए। और यहाँ पे आपको डीप फ्राई करना है, डोनट्स को गोल्डन ब्राउन आपको होने देना है, और आपको जो ऑयल है इसको ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है, नहीं तो आपका डोनट्स जो है वो जल भी सकता है। तो ये आप देख सकते हैं ये बेक डोनट्स हैं और ये डीप फ्राई डोनट। तो जब डोनट आपका ठंडा हो जाए अच्छे से तभी आप इसे चॉकलेट से कोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वाइट चॉकलेट ले रही हूँ और मैंने इसका गनास बना लिया है। तो यहाँ पे मैंने गनास बनाने के लिए
मिल्क ऐड किया है। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, आपको ऐसी बनाना, ज़्यादा पतली बनाइएगा तो आप जो अच्छे से कोट नहीं हो पाएगा डोनट में। तो आप यहाँ पे गनास बनाने के लिए व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हैं या फिर मिल्क भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने रेड जेल कलर डाला हुआ है, तो आपको डोनट को बहुत अच्छे से कोट करना है। और यहाँ पे मैं चॉकलेट गनास ले रही हूँ और ये मैं दोनों डोनट्स को मैं कोट कर लूँगी। और यहाँ पे मैं अपनी फेवरेट स्प्रिंकल स्प्रेड कर रही हूँ और मैं सारे डोनट्स में लगा लूँगी। तो यहाँ पे जो हमारा डोनट्स है वो रेडी है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो आप इसी तरह से एगलेस डोनट घर पे भी बना सकते हैं, बेक करके भी बना सकते हैं और डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं। और आप आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो में नए हैं तो लाइक करना तो बनता है। और तब तक के लिए बाय।